समाजवादी समागम बनाने का जरूरत इसलिए पड़ गया कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वह सब सरकार द्वारा किए गए जितने भी अन्याय की चीज़ें हैं उनके खिलाफ ठीक से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, केवल फॉर्मेलिटी करते हैं, बयान देते हैं, सड़क पे उतर करके कुछ काम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख में नहीं कर रही। इसीलिए समाजवादी समागम बनाया गया ताकि अन्याय के खिलाफ लड़ा रहे, और यह यात्रा उसी परिप्रेक्ष्य में है कि हम पूरे देश में जाएं और लोगों को जगाने का काम करें कि अन्याय के खिलाफ लड़ना बंद कर दिया है। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज की तारीख में हमारे देश में शासन कर रही है। हमने यात्रा के दौरान लोगों को ये भी बताने का कोशिश किया कि जब पिछली सरकार उनकी बनी थी तो सब बातों को छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। रोजगार तो दिया नहीं, और नोटबंदी लगा के 3.5 करोड़ नए लोग बेरोजगार हो, हर साल 2 करोड़ नए बेरोजगार पैदा होते हैं। और नया आजकल चला है फार्मूला सरकार का कि सरकार नौकरी न दे कि वांट निकालते हैं, एक एक साल लग जाता है उसका एग्जामिनेशन होने में, रिजल्ट आने में 6 महीना 1 साल लग जाता है, हर एग्जामिनेशन के बाद कोर्ट से उसमें गड़बड़ी होती है, उसके लिए जरूर जाता है, मतलब एक नौकरी देने में सरकार को 5 साल 7 साल लग जाता है। और इस बहाने बांड बेच करके 20-20 हजार करोड़ रुपया एक एक बांड में सरकार जमा कर रही है, और पता नहीं कब नौकरी मिलेगी। यह बात हमने देश के नौजवानों के सामने जब हम यात्रा में निकले तो लगभग हम लोग 15 से 20 यूनिवर्सिटीज में गए हैं और ये हमने मामला उठाया नौजवानों के बीच में कि आज की तारीख में देश की जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की है, और सरकार ये बिल्कुल ही इसके प्रति लापरवाह है कि हम कैसे लोगों को रोजगार देंगे। सरकार अगर चाहे तो आज के दिन में ही केवल 50 लाख लोगों को एक दिन में नौकरी दे सकती है। यदि सबको मालूम है कि देश के जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, IIT हो, मेडिकल कॉलेज, चाहे इंटरमीडिएट कॉलेज हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, इस देश के हर शिक्षण संस्था में 60 से 70% की वैकेंसी आ रही है। मतलब इस देश हमारा देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है IIT, कोई IIT नहीं है पूरे पद हो, सभी जगह 50 से 60% जगहें खाली हैं। मेडिकल कॉलेज में भी यही हाल है। तो अगर सरकार नौकरी देना चाहे तो दे सकती है। कहाँ तक नौकरी देते, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे LIC हो, चाहे BPL हो, जितनी भी संस्थाएं हैं, इन सब को कैसे इन केन प्रकारें सरकारी हाथ से निकाल करके प्राइवेट सेक्टर में देने का काम हो रहा है ताकि और रोजगार कम हो जाए। तो इस इशू को हम लोगों ने